नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस का आरोप, कहा फोन टैपिंग केस में मुझे आरोपी बनाने की तरफ पूछे गए सवाल। कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं, संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। नशीली दवाओं के कारोबार के खिलाफ एक्शन में मुंबई पुलिस, 2 करोड़ की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 3 पुलिसकर्मियों ने लूटे 45 लाख रुपए, पेट्रोल पंप पर रोक कर की वारदात, 4 गिरफ्तार। मुंबई में छेड़ा नगर फ्लाईओवर के शुरू ना होने से यात्री परेशान। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से मुंबई में सफर होगा आसान, 1 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में होगा तय। मुंबई में सस्ती होगी वाटर टैक्सी सेवा, सरकार ने 3 साल के लिए किया टैक्स माफ। कोल्हापुर उत्तर पर 12 अप्रैल को उपचुनाव, कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर। पुणे के स्कूल में फीस के बारे में बात करने गए पेरेंट्स की बाउंसर्स ने कर दी पिटाई। 6,49,699 करोड़ रुपए के कर्ज तले महाराष्ट्र, कोविड के बाद यूक्रेन रूस युद्ध ने खराब की हालत। आज के लिए इतना ही, ऐसे तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।